एक ऐसी सिचुएशन जम्मू के अंदर देखकर धक्का पहुंचा है। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी कोई साजिश है इस स्टेट के खिलाफ, यूटी के खिलाफ और जम्मू के खिलाफ। हम डोगरा सदर सभा की तरफ से कई दशकों से इस बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तीनों खितों के अंदर, जम्मू हो, कश्मीर और लद्दाख हो, इसके अंदर बड़ी सेंसिटिविटी है हर लिहाज से, और यहाँ की हर चीज़ भिन्न है। और डोगरा सदर सभा तो उन लोगों की सभा है जिन लोगों ने ये स्टेट बनाई है, तो कहीं भी कोई बात होती है, अफसोसनाक बात, तो सबसे बड़ा धक्का डोगरा सदर सभा को पहुँचता है। आगे भी आपके सामने बातें रखी, कई किस्म के इशू आए। आज इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि माता वैष्णो के बाद बाबा बर्फानी के साथ अगर कोई श्राइन जम्मू के अंदर है तो काली माता की, बावे वाली माता की है। ये जो बहु फोर्ट है, ये ऐसा इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, इतना इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, तारीखी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, जिसको प्रिजर्व करना ही नहीं सिर्फ, बल्कि इसको हाईलाइट पूरी दुनिया में करना, क्योंकि यहाँ से जम्मू बसा, यहाँ से जम्मू कश्मीर चला, ये एक फाउंडेशन है उसकी। आज उस किले की जो हालत है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वहाँ पर ड्यूटी से लेकर जो मेन उसकी एंट्री है, वहाँ से लेकर अंदर तक कितनी वायलेशंस हो रही है। यहाँ महकमा है, यहाँ आर्कियोलॉजी आर्काइव, आर्कियोलॉजी और म्यूज़ियम का एक इनका ऑफिस डिपार्टमेंट है, और वो देख रहा है। हालत उसकी ये है, दर्दनाक हालत यह है कि इतना गंदा सपाट कोई और नहीं होगा जितना यह है। एक तरफ हमें खुशी है कि 2 करोड़ यात्रु टूरिस्ट कश्मीर लेने के लिए आए, क्या क्या हो रहा है, पूरे पहाड़ जा रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहा है, रेलवे जा रहा है, बहुत खुशी है कि वहाँ टूरिस्ट जाए। यहाँ जितना रश माता वैष्णो देवी के होता है उतना नहीं सही, लेकिन बहुत रश यहाँ पर इस किले के अंदर माता के दर्शन के लिए यात्रु आते हैं और टूरिस्ट आते हैं, वो देखने के लिए कि जो रक्षक है इस जम्मू का, जब जब इस जम्मू पर हमला हुआ, जम्मू के पुल पर हमला हुआ, चाहे वो एयर रेड्स हुए दुश्मन की तरफ से, यहाँ से तोपें उधानी हैं और उनकी धार से दुश्मन यहाँ से वापस गया है, यहाँ कामयाब नहीं हो सका, ऐसे फोर्ट को दुनिया को दिखाना चाहिए। आज उसकी हालत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ड्यूटी पर अभी अभी मुझे खबर मिली है कि अभी गवर्नमेंट एक्शन में आ रही है। ड्यूटी पर वहाँ पर उसको तोड़ के जगह जगह सुराख करके वहाँ शेड बनाया है, उसके पीछे बारूद खाना है। यहाँ पर उस वक्त यह महाराजा की फोर्सेस बारूद रखती थी, उस बारूद खाना के अंदर टॉयलेट बने हैं, और वो चीज़ देखने वाली है। अब यहाँ टूरिस्ट आए, घूमे, देखे, किले को दिखाए, इसकी तारीख जाने, वो क्या देखेगा। और इसके साथ साथ वहाँ जो रॉयल रहने की उनकी जगह थी, रानियों की जगह थी, वो उजड़ गई है। यहाँ फोर्सेस रहती थी, तबाह हो गया एरिया, वो देखने के काबिल नहीं है। और यहाँ तालाब थे अंदर, उन तालाबों के अंदर जितना गंद है, जितनी बदबू है, शायद ही एक दफ़ा कोई वहाँ से जाए तो बच कर आएगा, उसकी वजह से, बदबू की वजह से बीमार होने से वो बच नहीं सकता, वो जा रहा है। इसके साथ साथ माता वैष्णो, माता कालका माता का जो मंदिर है आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कोई पैसे की कमी नहीं है, वहाँ इतना ज़बरदस्त यात्रु जा रहा है, कोई कमी नहीं वहाँ पर पैसे की, वो मैनेजमेंट पुजारियों की है, उनको भी नहीं पूछा जाता, उन्होंने भी तोड़ के वहाँ कोई, हालांकि ये एक घातक, ये जुर्म है, उस ये एक्ट है, बाकायदा कानून है कि इन मॉन्यूमेंट्स को कोई टच नहीं कर सकता, कोई उसको ईंट नहीं छेड़ सकता। वहाँ पर तोड़ फोड़ करके तरह तरह के लंगरों का इंतजाम किया गया, जूते रखने का किया गया है, तरह तरह की वायलेशन वहाँ पर हो रही हैं, कोई वहाँ पूछ नहीं रहा। मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट कर्नल करण सिंह जावाल साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, हम सब वहाँ पर विजिट के लिए गए थे। देखा जाकर हमें तकलीफ़ हुई कि मैं ये आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैं तो रात को सो नहीं सका। मैंने कहा ये जम्मू कैसे बचेगा, ये साजिश क्या है कि
के ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो नए बनाने तो कहीं रहे आपने, जो मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे वो तो तबाह कर रहे, ये मॉन्यूमेंट्स भी जा रहे हैं। तो हमारी मांग ये है, आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, आप ठंडी हवाओं में घूमो, लेकिन हमारी मांग ये है कि मेहरबानी करके आप आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से एक्सपर्ट बुलाइए और वो टीम से एग्जामिन कराइए ये हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। और क्या हो रहा है, जब हम आर्काइव आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट से बात करते हैं, वो कहते हैं हमने ऊपर लिख दिया है, हमने अथॉरिटीज़ को, हायर अथॉरिटीज़ को लिख दिया है, इतने बेबस हैं ये। मुझे लगता है ये सब फ्रॉड हो रहा है। और जम्मू वालों को मैं, सियासतदानों को कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको, कि आपके सब बुजुर्गों ने मिल के ये सारा कुछ बनाया हुआ है, ये तारीख है, जिंदा जागती ये कहानी है, इसको ज़िंदा रखिए और बचाइए इसको। पॉलिटिशियन आज जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट में बोलें, अगर पूछे तो सही, क्यों जम्मू की फिर बात करते हैं, जम्मू डूब रहा है। हम डोगरा सदर सभा की तरफ से आपके माध्यम से आज गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि अगर ये तारीख ख़त्म हो गई, मॉन्यूमेंट्स ख़त्म हो गए, जम्मू का तहस नहस हो गया, तो मैं आपको बता दूं ये जम्मू कश्मीर नहीं बचेगा, क्योंकि ये का था, किसी मज़हब का था, तमाम मिल के लोगों ने चलाया, आज वो खतरे में। तो हमारी मांग है, एक तो वो करें, दूसरा जो मैनेजमेंट जिन पुजारियों के पास है उनसे आप पूछिए क्या हो रहा है, वहाँ इंस्पेक्शन कराइए उस टीम से, और जो पुजारियों को जो ये समझाना पड़ेगा कि इसको टच नहीं कर सकते आप इस मॉन्यूमेंट को। इस मांग है कि गवर्नमेंट उसके लिए एक हाईएस्ट लेवल पर एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाए, वो वहाँ इंस्पेक्शन करे और जिस जिसका कसूर है उनके खिलाफ एक्शन ले और इंश्योर करे कि यहाँ पर कोई इस मॉन्यूमेंट को आग ना लगे। क्या क्या कमियाँ दिखी हैं? कमी उसकी वहाँ पर, एक तो तोड़ के वहाँ पर दीवारें ईंटें निकाल के वहाँ पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए गए, बारूद खाना को कन्वर्ट किया गया है टॉयलेट्स में और वाशरूम में, जो पैलेसेज हैं वो टूट चुके हैं, जो अंदर रहने की जगह थी जब उस बुरे वक्त में महारानियाँ जा लोग रहते थे, फौज के लोग रहते थे, वो टूट चुके हैं। तालाब जो अंदर है वो नरक बन चुका है, उसके अंदर इतना गंद है कि उस वहाँ कोई गुजर नहीं सकता। तो पूरा किला बाहर दीवारें शो कर दी हैं थोड़ी बहुत, अंदर पूरा किला तहस नहस हो चुका है। इसलिए हमारी मांग यह है कि एक्सपर्ट्स को देखें इसको क्या करना है और कानून के मुताबिक उसको फिर से रेस्टोर करें। दूसरा, वहाँ पर मंदिर की मैनेजमेंट पुजारियों के पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता ने कोई कमी नहीं रखी है, कोई कमी नहीं उनके पास पैसे की, लेकिन वहाँ भी तोड़ फोड़ हो रही है और वो उनकी तरफ से भी जो गंद वहाँ पड़ रहा है जगह जगह, वो आगे उनकी तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया जाए। हमारी मांग ये है कि वो भी इंश्योर करें कि वहाँ किसी किस्म का गंद ना हो, सफाई रहे और वायलेशन ना हो। और दूसरा है, डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर एक और साजिश चली है, मुझे खुशी है यह बात की जा रही है, कश्मीर में हालात बड़े ठीक हो गए, जम्मू हाथ से निकलता जा रहा है। जिस जम्मू ने पंजाब में आग लगी, यहाँ उन्होंने पैरा दिया कि भाईचारे को ठेस ना पहुँचे, कश्मीर में आग लगी, यहाँ पर उन चिंगारियों को यहाँ पनपने दिया, आज जम्मू के अंदर फिर ये शरारतें होना शुरू हो गई हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ लोगों को लड़ाने की साजिश हो रही है। कह देते हैं पाकिस्तान की साजिश है, पकड़ो कौन है लोकल आदमी उनके साथ, लेकिन लोकल लोग, मुझे खुशी है कि हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, सब ने मिलकर कंडेम किया इस बात, फिर कौन है, और ऐसे लोगों को पकड़ो। ये डोगरा सदर सभा की कुछ चिंता हो रही है, हम मांग करते हैं कि फौरन LG साहब इस पर एक्शन लें और हमें बताएं कि क्या एक्शन लें।